सबका स्वागत है डे नंबर 7 में, द सीक्रेट टू अ हेल्थ। हेल्थ के एरिया में आज हम बात करेंगे। आज क्लास नंबर 7 है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, और आप बिल्कुल रेडी हो जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जहाँ से आपकी हेल्थ के बारे में जो भी बिलीफ है, हो सकता है आप वो बिलीफ ब्रेक करेंगे और आप एक नया सीड डालेंगे, नई एक बिलीफ का इन द एरिया ऑफ हेल्थ। राइट, सो जस्ट बी वेरी मच रेडी डियर फ्रेंड्स। आप अपनी नोटपैड पेन के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए। व्हाट इज हेल्थ? सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझिए। हेल्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से क्या है? जो पर्सन मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली हेल्दी होता है, उसको परफेक्ट हेल्थ कहा जाता है। 99% लोग हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ के पीछे हम पड़े रहते हैं, यानी कि हमारी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ में हमें क्या करना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज और जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं, जानते हैं, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में है। लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज है अभी के समय में, जो हमें सबको पता है। और हमें ये तीनों एरिया, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, तीनों एरिया के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये तीनों हेल्थ को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से के थ्रू आसानी से हील कर सकते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी एक्चुअली क्या है? इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ अवर थॉट्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, बट आउटपुट है हमारे थॉट्स का और हमारे इमोशंस का? यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ से ही हमें समझना है कि हमारा शरीर हमारा थॉट्स एंड इमोशंस का आउटपुट है, प्रोडक्ट ऑफ अवर थॉट्स है। सो हम ऑफकोर्स हमारे थॉट्स को बदलते हुए हमारे शरीर को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। या तो अभी की बात करें तो सीधी बात करें, स्ट्रेट अवे अभी की हमारी हेल्थ सिचुएशन क्या है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, राइट? तो वो हमारा एक मिरर है, हमारा अभी जो शरीर में जो भी आपकी फिजिकल हेल्थ है, शायद कोई डिसीज है या आप कंप्लीटली फिजिकली हेल्दी है, तो ये बताता है कि आप मेंटली एंड इमोशनली भी हेल्दी है, राइट? सो आपको देखना है कि आप अभी आपकी क्या पर्टिकुलरली सिचुएशन है, और आप जहां से भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अक्नॉलेज, आइडेंटिफाई एंड अक्नॉलेज, तो वहां से आप नेक्स्ट लेवल पर ट्रैवल कर सकते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे थॉट्स में हम जो पकड़ लेते हैं, वहीं से हम हमारी एक्चुअली यू नो हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, सभी को वहीं से हम अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बड़ी बार रिसर्च हुआ है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में भी ये बात, ये किताब में बहुत अच्छी तरीके से कही है, और बहुत अलग अलग तरीके से रिसर्च हुआ है। और आप सभी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हेल्थ के बारे में रिसर्च करके भी बताया है कि प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर भी रिसर्च किया है, कि सपोज एक कैनेडा की हॉस्पिटल में रिसर्च था कि 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा था, और दोनों ये जो 30 ग्रुप ए में 15 और ग्रुप बी में जो 15 लोग थे, टोटल 30 लोग हैं, उनको सेम डिसीज थे, ब्लड प्रेशर सपोज एग्जांपल लेके हम चलते हैं, और उनके ऊपर रिसर्च हुआ था। तो एक जो जो ग्रुप ए था उसको सिर्फ प्लेसिबो यानी कि शुगर पिल दी थी और होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया था एंड एक थॉट्स दिया था और एक अच्छा एनवायरनमेंट जहां पर वो अच्छा फील कर सके, टोटल होलिस्टिक अप्रोच अपनाया। और दूसरा जो बी ग्रुप था जिसमें अगेन 15 पीपल थे, सेम डिसीज वाले लोगों को, और उनको नॉर्मल जो मेडिकेशन ट्रीटमेंट होती है वो की, और नतीजा ये आया कि जो नॉर्मल मेडिकेशन वाले 15 दिन के बाद उन लोगों को, दोनों को ठीक हो गया, लेकिन जो ग्रुप ए था जिसमें प्लेसिबो इफेक्ट यानी शुगर पिल से सिर्फ रिसर्च करने के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट के साथ, एटमोसफियर के साथ, तो हुआ यूं कि उन लोगों को 15 दिन से पहले, जो ग्रुप ए था जिसमें 15 लोग थे, उनको 15 दिन से पहले ठीक हो गया, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कोई दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उनको
घर जाने दिया, जो हॉस्पिटलाइज थे जिनके ऊपर रिसर्च किया गया था उनको बताया गया था कि आपके ऊपर रिसर्च होगा, आपकी जो भी है ट्रीटमेंट हम करेंगे। एंड दूसरा जो ग्रुप था, ग्रुप बी, उनको मेडिकेशंस चालू रखने के साथ कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आया, और उनको जब छुट्टी भी दी तो विथ लॉट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस एंड कॉशंस प्रिकॉशंस के साथ उनको वहाँ से रिलीव किया। डियर फ्रेंड्स, बात ये बताते हैं दोनों सेम प्रकार, ग्रुप ए में भी सेम प्रकार के पेशेंट थे, ग्रुप बी में भी सेम प्रकार के पेशेंट थे। लेकिन क्या होता है कि जब आप बताते नहीं है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, बट एक पेशेंट होता है उसको एक पूरा फेथ होता है कि ओके दिस इज वॉट एवर द ट्रीटमेंट, इट इज़ फॉर माई रेलेवेंट टू माई डिसीज एंड आई एम गोइंग टू बी क्योर, तो वो शुगर पील से भी क्योर हो सकता है। आप सभी लोगों को भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हुआ ही होगा कि आप कोई कोई एक पर्टिकुलर बात को, प्लेस को, डॉक्टर को, या कोई एक इवेंट को, या कोई फेस्टिवल को, या कहीं ना कहीं आप एंकर्ड होंगे और आप अपने आप को वो जो चीज़ देख लेते हैं, वो जगह पर चले जाते हैं, वो पर्सन को मिल लेते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं, उससे उल्टा कभी बीमार भी हो जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये अपने साथ कहीं ना कहीं चेक तो किया ही होगा, आपका माइंड ये रजिस्टर्ड कर भी चुका होगा, और अभी आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद भी आएगा। मैं मेरे बचपन की छोटी सी बात करती हूँ, ये प्लेसिबो इफेक्ट की मेरी लाइफ में कैसी हुई थी। जब मैं 8-1 साल की थी और बहुत बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी, मुझे डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए थे, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कि मुझे टाइफॉइड हो चुका था और एक्चुअली मलेरिया की दवाई ट्रीटमेंट चल रही थी, और हुआ ये था कि मुझे रिकवरी नहीं आ रही थी, मैं और कमज़ोर होती चली जा रही थी, और मेरे पापा मम्मी को लगा कि ये लड़की तो अब जिंदा नहीं रह पाएगी, हाथ से केस जा रहा है, तो मेरे पापा मम्मी ने डॉक्टर चेंज किया। अब वो डॉक्टर ने तुरंत ही क्विकली सारे रिपोर्ट्स करवाए और पता चला कि ये रॉन्ग ट्रीटमेंट चल रही है, मुझे करेक्ट ट्रीटमेंट शुरू करी और मैं जस्ट विद इन 1 वीक मैं रिकवर हो गई। अब मेरा वो डॉक्टर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया कि जब भी उसके बाद कोई सीजनल बीमारी या ऐसे कफ एंड कोल्ड के लिए भी मम्मा मुझे फिर वहीं पे लेके जाती थी वो डॉक्टर के पास, तो मैं जैसे ही उनके रूम में अंदर, डॉक्टर की कैबिन में अंदर एंटर होती थी ना, मैं अपने आप ठीक हो जाती थी। और मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती थी, मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर साहब घर में थी तो कितनी बीमार थी, कितना हाई फीवर था, बट आपके कैबिन में आया तो सब गायब, आप बोल रहे हो नॉर्मल है। सो ये एक एंकरिंग होता है, दैट्स कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। आपका माइंड पकड़ता है कि यस आई हैव अ फुल फेथ ऑन दिस पर्सन, ऑन दिस सिचुएशन, और पर्टिकुलर दिस फेस्टिवल और फूड और व्हाटएवर। सो इस तरीके से भी हम हमारा माइंड कैप्चर करते हैं। समझने की बात क्या है, आप सभी लोग ये एक्सपीरियंस हेल्थ के एरिया में कहीं ना कहीं किया भी होगा। अब हेल्थ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इतना बड़ा अभी जो मार्केट है मेडिसिन्स का, स्पेशली 2020 इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल ईयर, वी शुड नॉट रिमेंबर दिस ईयर इन अवर लाइफ, इन दिस लाइफ टाइम, बट ऑफकोर्स एक्सक्लूडेड 2020 ऑल्सो भी आप देखेंगे कि भारत देश में ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2030 तक 90% लोगों को कैंसर होने की संभावनाएं है। डायबिटीज़ का हब ऑलरेडी इंडिया, स्पेशली सर्टेन स्टेट्स लाइक गुजरात में ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हर घर में है। डियर फ्रेंड्स, ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है दवाइयों का, इट इज़ अ बिग मार्केट। आई एम नॉट अपोजिंग, मैं किसी का अपोज नहीं कर रही हूँ, तो कहना ये चाहती हूँ कि इन ऑल दिस थिंग्स के अंदर हम भी कहीं ना कहीं ट्रिलियन डॉलर्स अ ईयर का बिजनेस, आई एम टॉकिंग इंडियन फिगर्स, इंडिया के मेडिसिन के फिगर, तो इसके अंदर हमारे घर से भी कोई ना कोई वो 1,000 या 50,000 या 2 लाख अ ईयर, वट एवर इट इज़ अमाउंट, हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरा इतना ही कहना है कि ये पूरे जो सर्कल चल रहा है दवाइयों का और हेल्थ का, उसमें एक बात मिथ है और वहाँ से लाइन चल रही है, और वो ये है कि डिसीज़ आर नॉट क्योरेबल। वो ऐसा कहा गया है कि डिसीज़ क्योरेबल नहीं है, एंड दैट्स अ रीज़न, सिर्फ वन दिस सेंटेंस आर पत्थर की लकीर बन गया है, एंड दैट्स वाई ये बिजनेस यानी वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, बीमार लोग बीमार और होते रहते हैं, और ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें से बाहर निकलना है तो आज का सेशन आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ओपनिंग होगी, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप हेल्थ के एरिया में समझना चाहते हैं तो हमारा संडे
शाम को 5 बजे वेबिनार है, जिसमें और ज़्यादा एक्सक्लूसिवली सोर्स ऑफ द यू नो द डिसीज एंड 3 सीक्रेट्स एंड योगी डाइट के बारे में भी मैं शेयरिंग करने वाली हूँ. सो डियर फ्रेंड्स, उसका भी यहाँ पर लिंक है, आप जरूर से आप आफ्टर द वेबिनार ज्वाइन कीजिएगा, वो लिंक से अपना नाम रजिस्टर कीजिएगा. सो डियर फ्रेंड्स, हीलिंग एक्चुअली मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. आई एम फेवरिंग डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द इमरजेंसी पर्पस. और सपोज आपके पास ऑलरेडी कोई बॉडी में पेन है, टेम्प्ररी आपको कोई बुखार आया, या किसी को ऐसी कोई लंबे समय की बीमारी है, तो मेडिसिन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. कहाँ पर हेल्प करेगी? कि आपका पेन वहाँ पर यू नो पेन को कम करेगी. पेन किलर है सपोज, तो आपने वहाँ पर दवाई ली तो वो आपको हेल्प करेगी. नाउ आप जब कंफर्टेबल है बिकॉज यू हैव टेकन अ पिल्स, नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी की जहाँ से आप दो चॉइस है, या तो आप अब बैठ के ये सोच सकते कि अरे अभी 8 घंटे के बाद दूसरा डोज लेना पड़ेगा, मेरी पूरा जीवन तो दवाइयों के ऊपर आधारित है, या तो जब आप कंफर्ट है, मेडिसिंस आपको यहाँ पर हेल्प कर रही है, आपका पेन रिलीव कर रही है, तो वो मेडिसिंस ट्रीटमेंट चालू रखते हुए आपको दूसरी चॉइस ये है कि अब आपको कहाँ ध्यान देना है. आप दवाई लेके डॉक्टर के ऊपर ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, सपोज़ आपको ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं लंबे समय से, कोई बीमारी है, बट इसके बाद आप जब कंफर्ट है, पेन नहीं हो रहा है दवाई लेने के बाद, तब आप ध्यान उस पर लगाइए जहाँ पर खुशी है, प्यार है, परफेक्ट हेल्थ है. तो क्या होगा कि आपका बॉडी जल्दी से हील होगा. ऑफ कोर्स ऑलवेज वही ट्रीटमेंट की बात है कि दो प्रकार के पेशेंट हम देखते हैं, सिमिलर प्रकार के उनके रिपोर्ट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, बट कोई एक्स होता है वो जल्दी से हील होके बाहर आ जाता है, वाई होता है वो हील हो ही नहीं पाता है, लाइफ टाइम के लिए वो डिसीज को अपना दोस्त बना के रखता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट अवर एटीट्यूड कि हम कैसे इसको देखते हैं. आप जितना ज़्यादा उसको जैसा मीनिंग देंगे, वो मीनिंग से वो आपके साथ डिसीज चिपका रहेगा. एक्चुअली डिसीज हैज़ नो रियालिटी, डिसीज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं. हमने उसको एक नाम दिया है और एडवांस वर्जन ये दिया है कि ये इनक्योरेबल है. हमेशा याद रखिए, थिंक परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचिए, यानी कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कंप्लीट जहाँ पर परफेक्ट हेल्थ है. परफेक्ट हेल्थ यानी मेंटली खुश है आप, इमोशनली खुश है, वहाँ पर जितना आपका ध्यान जाएगा उतना आप एक्चुअली अपनी कह सकते हैं कि आप और ज़्यादा परफेक्ट हेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे. फोकस ऑन अ पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड, थिंक पॉजिटिवली, ऑलवेज से योर सेल्फ, माई हीलिंग, मेरा हीलिंग फास्ट हो रहा है एंड आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ. एक्चुअली सबसे बड़ा जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं अभी के समय में, मेंटल हेल्थ से लेके सबसे ज़्यादा लोग जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द रीज़न, एक्चुअली नॉट द प्रॉब्लम, बट द स्ट्रेस इज द रीज़न, मेन रीज़न है. और स्ट्रेस का रीज़न कौन है पता है? स्ट्रेस का सोर्स कौन है? स्ट्रेस बेबी है, वो है नेगेटिव थॉट्स का एंड इमोशंस का. एक नेगेटिव थॉट्स उसका बेबी है स्ट्रेस. नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स हमें क्या देता है? स्ट्रेस, फियर, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी. सो ये हमें देता है. तो आपको सबसे ऊपर, हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसके ऊपर भी बहुत काम करते हैं, बट उससे भी ऊपर है जो हमारे थॉट्स, हमें उसके ऊपर काम करना है. द इफेक्ट इज स्ट्रेस बट द कॉज वॉज नेगेटिव थिंकिंग. इफेक्ट हमारी स्ट्रेस है बट हमारा जो कॉज है वो है नेगेटिव थिंकिंग. कितने लोग ये बात को मानते हैं कि हमारे थॉट्स से ही हमारा हेल्थ बनता है या बिगड़ता है? आपको एक्चुअली जब भी बीमार पड़ते हैं, तो लुईस हे की किताब में बहुत अच्छी तरीके से कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कि आप तुरंत दवाई के पीछे मत भागिए. इन केस ऑफ इमरजेंसी यू शुड गो एंड वी शुड डेफिनेटली एक्सेस दैट ऑल दिस रिसोर्सेज, मेडिकल साइंस है हमारे पास, बट अदरवाइज आप कर सकते हैं मैनेज, थोड़ा भी सहन कर सकते हैं, तो आंखें बंद करके एक रूम में बैठ जाइए. जब भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे या फीवर है, कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा, और दो सवाल पूछे थोड़ी 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद, कि आप जब मन शांत होता है तो, कि मैं किसके ऊपर गुस्सा हूँ,
मुझे किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, यानी जो मेरे इमोशंस है पेंट अप है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, या तो कौन है जिसको मुझे माफ़ करना है, यानी कुछ होल्ड करके पकड़ा है आप, रिजाइन है। ये दो सवाल आप अपने आप को पूछिए और उसके जवाब मिलते हैं और आप प्रोसेस करते हैं वो फॉरगिवनेस की, या तो आप एक्सप्रेस कर लेते हैं आपके इमोशंस को या लेट गो करते हैं, तो आपका 99% जो भी उस वक्त डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इलनेस और आप अनईजी फील कर रहे हैं, तो वो निकल जाता है डियर फ्रेंड। दिस इज़ द रियल वे। एक्चुअली हमारा जो बॉडी है वो रिफ्लेक्शन ही है हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का। सो जस्ट गो विद इन एंड फाइंड आउट द सोर्स एंड आस्क द क्वेश्चंस एंड डू दिस होलिस्टिक अप्रोच, एंड दैट्स द राइट वे एक्चुअली। हैव यू एवर सीन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स? नेवर। सो व्हाई फॉर ह्यूमन? Of course, we have that privilege, we have discovered and it is somehow useful, but not all the time. It is not a fashionable things ki hum thode bahut bhi bimar ho gaye to hum bhag kar hospital mein chale jaye. That's not the fashionable things. Nowadays what happens is generally ye dekhne ko milta hai ki doctor aap operation kar dijiye na, acha ho jayega na, permanent shanti ho jayegi. Operation ek fashion ho gaya hai, fastest you know, hame solution chahiye har jagah par, but it is not advisable all the time. Medicines lena fashion, it is not a fashion, it is not a fast solution, it is really harmful. aapne kabhi dekha hai jo person dawaiyan leta hai wo kabhi theek hua hai? रेगुलर दवाई लेने से इंसान कभी भी ठीक नहीं होता है, बाय द वे। और जब आप दवाइयाँ नहीं छोड़ आप छोड़ेंगे नहीं तब तक ठीक नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, दवाई के बगैर के जो जो भी अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन जिसको कहते हैं उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारी उसकी बातें हो सकती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा थॉट्स। क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी, बट यू इफ़ यू डोंट हैव फेथ एंड आपके थॉट्स ही प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव थॉट्स है, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, बीमारियां आने के बहुत सारे रीज़न हैं। हमारी बिलीफ बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। कोई कह सकता है कि बीमारियां कहाँ कहाँ से आती हैं, पता है कहाँ से आती है? समटाइम्स इवन वी लिसन समवन, यू नो, सपोज एग्जाम्पल, एक सिंपल एक 35, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हो सकता है मेरा और आपका भी एग्जाम्पल हो। एक 35 की उम्र का एक इंसान कहीं पर, हमारे यहाँ पर तो यू नो खाने की दुकान होती है ना ओपनली, तो वहाँ पर खाना खा रहा था बाजार में, और वो जो भैया थे जो कुक थे वो बात कर रहे थे कि भैया बहुत दिन से नहीं दिखे, आज आप हमारी दुकान पे आ गए, काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहे थे। और वो भाई साहब जो 35 की एज के थे वो जवाब दे रहे थे, हाँ ठीक है थोड़ा बिजी रह गए थे तो आज याद आ गए तो आपको मिलने चला आया, चलिए आप थोड़ा चाचा जी अच्छा सा भेल बना दीजिए। अब भेल के साथ साथ वो 35 साल का इंसान और भी क्या क्या खा रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या बिलीफ आ रही है, मैं आपको ये बताती हूँ। और ये बात हमारे साथ पता नहीं कहाँ कहाँ से वैसे आती है, घर में, पड़ोस में, कहीं किसी से मिलने गए, ऑफिस में, हर जगह से। अब ये भाई साहब के साथ क्या हुआ कि जब वो खाना खा रहा था और देखा उसने कि जो कुक था, जो कुक बना रहा था, शेफ जिसको कहते हैं, वो शेफ थोड़ा मोटा हो गया था। तो ये जो 35 साल का इंसान है, जो कस्टमर है, जो खाना खा रहा था, तो उसने अचानक से पूछा कि क्या हो गया भैया, आपने तो बहुत बहुत वजन बढ़ा लिया, लग रहा है बहुत ही अलग दिख रहे हैं, क्या करें भैया, ठीक है ना, अभी 40 साल की उम्र हो जाती है तो हो ही जाता है, वजन बढ़ना नॉर्मल है, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, मेरे पापा को भी ऐसा ही था, मुझे भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, नॉर्मल है, मेरे दादा को भी था, वो तो होना ही था। अब ऐसा उसने तो कहा, तो भेल के साथ साथ ये 35 साल का पर्सन जो बिल्कुल हेल्दी है, परफेक्ट हेल्थ है, उसने साथ साथ में ये बात भी खाई। क्या बात खाई कि भाई 35-40 साल के बाद तो आजकल सबको नॉर्मल है ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, मेरे पापा को था तो मुझे भी हुआ, वो ऊपर से उसने एडिशनल कह दिया। तो अब क्या हो गया कि लाइक अ चेरी ऑन अ केक जैसा हो गया, और उसकी केक बन गई और ऊपर से चेरी भी लगा दी कि पापा को भी था, दादा को भी था, बात ख़त्म। अब जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती गई, 36, 37, 38, तो अब
40 तक नहीं पहुंचा, 38 में भी उसने भी मोटापा और ब्लड प्रेशर पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो शेफ था, कहीं पर ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल बात हो रही थी, बट उसने पकड़ ली कि अरे हाँ, इट इज नॉर्मल, सबको हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो अग्री विद दिस कि ये ऐसी बातें, ये बिलीफ, ये मिथ को लेके हम ये बात को कितना आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और दैट्स अ रीजन हम काफ़ी सारे डिसीजेस को तो ऐसे इनवाइट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वी आर यूनिक। हमारे पेरेंट्स को जो है जरूरी नहीं है वो हमें हो। आई रिपीट, हमारे पेरेंट्स को जो है हो रहा था या जो है जरूरी नहीं है हमें हो। वी आर यूनिक, आई एंड यू आर यूनिक। यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड योर पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज बिकॉज आप और वो अलग है। ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स इज योर सोर्स, बट आप यूनिक पर्सन है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चेक योर बिलीफ इन द एरिया ऑफ हेल्थ कि आपकी क्या क्या बिलीव्स है। जब तक आप ये एरिया में आप चेक नहीं करेंगे, हो सकता है आपके माइंड ने अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली है। जैसे मनी एरिया में पकड़ते हैं, रिलेशनशिप के एरिया में पकड़ते हैं, हेल्थ के एरिया में भी पकड़ते हैं, और हमें हो जाता है, और हमें होता है कि ये तो नॉर्मल है बिकॉज मेरे पापा को भी था। मेरी बात करूँ तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि यू लुक लाइक योर फादर, एंड यू नो तुम्हारे पापा को भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो तुम्हें भी हो जाएगा, देखना। तो मैंने पहले से कहा, आई अननोइंगली मैं ये सीक्रेट को यूज़ कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये सीक्रेट है, बट मैंने कहा था नो, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, पापा को हो गया तो क्या हुआ। और लिटरली मुझे, गॉड ब्लेस, अभी तो कोई इश्यूज नहीं है इन माई एज ऑफ दिस 46, बट मेरे यंग ब्रदर है जिसको बहुत काफ़ी सालों से ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज है। ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ लाइफ स्टाइल, बट अगेन इट इज़ अबाउट बिलीफ ऑल्सो। सो हमें बिलीफ के ऊपर काम करना है 80%, लाइफ स्टाइल के ऊपर तो हम फिर भी 20% एफर्ट से भी लाइफ स्टाइल को हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट हम कर सकते हैं। बट मोस्ट जो हमें बात करनी है, जो एम्फेसाइज करना है, वो है हमारी बिलीफ के ऊपर। सो कितने लोग ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। काफ़ी लोगों को ये एक सवाल भी होगा कि दीपाली, क्या हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिसीज है, तो हम क्या करें, क्या ये रिवर्सिबल है? द क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, व्हेन पर्सन हैज अ मैनिफेस्टेड डिसीज इन द बॉडी, सो क्या कैन इट टर्न अराउंड थ्रू द पावर ऑफ राइट थिंकिंग? और इसका आंसर है यस। आपके शरीर में डिसीज है, उसको भी हम आसानी से क्योर कर सकते हैं। द सीक्रेट की मूवी में एक लेडी का जिक्र किया है दैट पर्टिकुलर दिस चैप्टर के अंदर, जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, और वो ब्रेस्ट कैंसर जब उसको डिटेक्ट हुआ, उसके बाद तुरंत ही उसने ये होलिस्टिक अप्रोच अपनाना शुरू किया। अपने थॉट्स एंड बिलीफ से कैंसर है ही नहीं, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। वी नीड टू एक्सेप्ट अवर डिसीज, बाय द वे, इन द होलिस्टिक अप्रोच दैट इज अ स्टेप नंबर वन, बट एक्सेप्ट मीन्स उसको हावी नहीं होने दिया, और उसने बस अपना ध्यान लगाया अपनी कंप्लीट परफेक्ट हेल्थ के ऊपर, और कॉन्स्टेंट अपने आप को खुश रखा। पूरा 3 महीने के अंदर उसने कॉन्स्टेंटली बार बार एक ही बात अफर्म करती रही कि मैं ठीक हो रही हूँ, आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ, और मेरा बॉडी बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली उसने ये 3 महीने के अंदर अफर्मेशन के अलावा भी ऐसे कॉमेडी मूवी देखे, और इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव एंड एक जॉयस मूड के अंदर और हैप्पी मूड के अंदर रखा। एंड जस्ट इन 3 मंथ्स अगेन जब वो चेक करवाने गई, तो देर इज़ नो कैंसर डिटेक्टेड इन हर बॉडी, एंड दैट इज़ अ मिराकल्स डियर फ्रेंड्स। कैंसर जैसे डिसीज भी हम जब इतने आसानी से, प्रोवाइडेड हम गलती कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं कि हम खुश रहने की कोशिश करते हैं बट कंडीशनली होते हैं, हम 100% नहीं देते हैं, हम ऊपर ऊपर से खुश रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट अंदर से डर लगा रहता है। यू नो फेथ इज़ अ फ्यूअल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपको 100% फेथ होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेगा। हमेशा याद रखिए, 100% मीन्स 100%। आप 99% फेथ रखते हैं, 0.1% भी आप ऐसा सोचते हैं कि ओके, मुझे प्लान बी तो रखना चाहिए ना, मुझे डर तो होना चाहिए ना,
तो वो काम नहीं करेगा. दैट मीन्स यू आर अफ्रेड, यू हैव अ फियर एंड वो काम नहीं करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट योर पॉजिटिव थॉट्स. सो ये बहुत ज़रूरी है. आपके बॉडी में डिसीज है जिसको ऐसा कहा जाता है कि क्योरेबल नहीं है, वो भी क्योर हो सकते हैं. दैट्स अ गुड न्यूज़. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़? सो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग हेल्थ के कौन से प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं. गॉड ना करे किसी को हो, बट है आपके आसपास या आपके लव्ड वंस को. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एंड दिस इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज हमारे शरीर में जो मेडिसिन जाती है और सपोज उसको लाइफ टाइम के लिए लेना है, वैसा जब डॉक्टर कहते हैं तब समझ लीजिएगा कि वो अपने जो पर्टिकुलर कोई डिसीज के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, जो हमें लाइफ टाइम लेनी है, सुबह शाम लेनी है, सपोज ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की, तो समझ लीजिएगा कि उसके अलावा बाकी के बहुत सारे ऑर्गन्स को वो डैमेज करता है. जब ब्लड प्रेशर की दवाई जो इंसान लेता है 20 साल 25 साल तक, तो अपने आप फिर वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है. डायबिटीज़ से फर्दर किडनी डैमेज और वहाँ से ऐसे उसकी साइड इफ़ेक्ट से वो चेन में ही फंसता है. कभी भी हम दवाई लेके ठीक नहीं हो पाते हैं. हमें हमारे थॉट्स एंड हमारे इमोशंस के ऊपर काम करना है. हमारा बॉडी खुद अपने आप को हील करना जानता है. हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हमें एक्चुअली हमेशा खुश रहना है, फेथ रखना है एंड पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, तो अपने आप बॉडी को एक रास्ता मिलेगा. अभी क्या हो रहा है कि बॉडी हैज़ अ पावर टू हील दैट पर्टिकुलर डिसीज़. तो वो आपके जो शरीर में आया है वो खुद उसकी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके वो हरा सकता है उसके अंदर. बट हम खुद स्ट्रेस और फियर में और अपने बॉडी को इतना टाइट तनाव में ले लेते हैं एंड दैट्स वाई वो डिस्ट्रैक्शन होता है. बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती है और ऊपर से हम दवाइयाँ लेते हैं एंड दैट्स अ रीज़न वो बॉडी हमें परफॉर्म करके नहीं रहता है. याद रखिएगा एक बात, लाइन लिख के रखिएगा गया आपके जीवन में हेल्थ के एरिया में, और वो ये है आपका शरीर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वेरी केयरफुली लिसन दिस. आपका शरीर सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने की भाषा को ही जानता है. जस्ट लिख के रखिएगा ये बात, प्रोवाइडेड हम क्या जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक शरीर स्वस्थ रहने की भाषा को जानता है. हमें सिर्फ हमारी सेल्फ हीलिंग के पावर को आइडेंटिफाई करना है. डियर फ्रेंड्स, डिसीज कैन नॉट लिव इन अ बॉडी दैट इज इन अ हेल्दी इमोशनल स्टेट. जो हेल्दी इमोशनल स्टेट वाला इंसान है वहां पे वैसे शरीर के अंदर डिसीज कभी नहीं रह सकता. यस और यस डियर फ्रेंड्स, या तो आप हेल्दी इमोशनल स्टेट में हैं या तो आपका शरीर है वहां पर डिसीज है. दोनों में से एक ही चीज रह सकती है. आपको आपके शरीर में क्या रखना है तय आपको करना है. हमेशा याद रखिए, थिंक थॉट्स परफेक्शंस. आप परफेक्शन के थॉट्स, यानी कि आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ, आई एम परफेक्ट, राइट? तो ये आपको कॉन्स्टेंट सोचना है. ब्राइट साइड के ऊपर आपका फोकस करना है. यू कैन थिंक यू आर वे टू द परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, द परफेक्ट बॉडी, द परफेक्ट वेट एंड द एटर्नल यूथ. यू कैन ब्रिंग इट इन टू बींग थ्रू योर कंसिस्टेंट थिंकिंग ऑफ परफेक्शन. आप कॉन्स्टेंट आपके परफेक्ट वेट, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट एटर्नल यूथ, इवन यू कैन रिवर्स योर एज. हम सभी लोग ये भी एक बहुत आसानी से मान लेते हैं कि यस अभी तो ये उम्र हो गई, मुझसे नहीं चला जाएगा, या हम हमारी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज जस्ट नंबर्स एंड इट इज़ जस्ट अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक. आप अपने मन से अपनी एज को क्या मानते हैं? आज भी मैं मेरी बात करूं तो आई नेवर फील आई एम दिस इज माय एज. मुझे कभी अंदर से ऐसा नहीं लगा. मैं अभी भी ऐसा ही लगता है कि आई एम जस्ट क्यूरियस स्टूडेंट्स एंड आई एम लर्निंग एवरी डे एंड आई एम ग्रोइंग एवरी डे. आई एम टॉकिंग मेंटली ग्रोइंग एवरी डे. सो एज इज जस्ट रियली नंबर्स. आप इवन इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका पूरा ध्यान आपके जो चाहिए, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेट एंड इवन योर एटर्नल यूथ. यू कैन रिवर्स योर एज ऑल्सो. आपके उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. इफ़ यू हैव अ डिसीज एंड यू आर फोकसिंग ऑन इट एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट, यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर डिसीज्ड सेल. कितने लोग ये बात को मानते हैं? सी योर सेल्फ लिविंग इन परफेक्टली हेल्दी बॉडी. लेट द डॉक्टर लुक आफ्टर द डिसीज.
आप जब आपके पास कोई डिसीज है और आप डिसीज की बात लोगों को बताते हैं, तो जब आप थॉट्स को वर्बलाइज्ड करते हैं ना, तो वो आप जल्दी और ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं. आपके थॉट्स को आप वर्बलाइज करते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं. सो वो और डिसीज्ड सेल को प्रोड्यूस करने लगता है. सो आपके डिसीज को डॉक्टर को दे दीजिए, वो ट्रीटमेंट करेगा. और आपका काम क्या है? आपका काम है पॉजिटिव साइड पे रहना, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना, फील गुड, अच्छे से हैप्पी रहना, हैप्पी मूड में रहना. वही आपका काम है जो आपको कॉन्स्टेंट करना है, डियर फ्रेंड्स. और कोई आपको पूछेगा हाउ आर यू, आपकी हेल्थ कैसी है, सपोज आपका हेल्थ का इश्यूज है, मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट चल रही है, आप नहीं किसी को वर्बलाइज करके बता रहे, बट समवन कैन आस्क यू ना, बिकॉज सो मेनी लव्ड वंस, नियर वंस, दे हैव दिस कंसर्न एंड दे विल आस्क यू कि हाउ आर यू, व्हाट अबाउट योर हेल्थ. तभी भी आपको क्या करना है, उनको यही कहना है ऑल इज वेल, मुझे सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है. एंड बिलीव मी, जब आप ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, यू आर टेलिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दिस वे, यस, योर हीलिंग इज फास्टर एंड यू आर ऑलरेडी क्योर्ड एंड नथिंग देयर इन योर बॉडी. सो आप कोई बोल पूछता भी है तो थैंक यू कहना है उनको माइंड में कि थैंक यू, यू हैव रिमाइंडेड मी, कि मुझे ये कमांड देना है कि आई एम परफेक्ट, आई हैव अ कंप्लीट हेल्थ, देयर इज नथिंग, ऑल इज वेल. सो ये करके आपको कहना है. इफ यू आर इवन लिसनिंग एंड रिप्लाइंग और टॉकिंग अबाउट डिसीजेस, यू आर अट्रैक्टिंग देम, राइट डियर फ्रेंड्स. यू हैव हर्ड दिस मिराकल मैन, गॉड मैन, जो द सीक्रेट के अंदर भी बताया गया है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया था, और उसका लगभग 95% बॉडी डैमेज था, उसका स्पाइनल कोड, उसके लंग्स, सब कुछ, जस्ट वो ब्लिंक कर पा रहा था उसकी आई को. जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, जब उसका प्लेन क्रैश हुआ, उसकी आंखें उसने हॉस्पिटल में खोली तब, और डॉक्टर ने कहा कि पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी. और उस वक्त उसने जो अपने आप को कमांड किया, और वो ये कि वो आपको दिखता है बिकॉज एज पर दिस मेडिकल गाइडलाइन की आई विल नॉट, यू नो, आई विल रिमेन लाइक दिस ऑन बेड एज अ पेशेंट फॉर एवर, बट आई कैन हील माई बॉडी, मैं यहाँ से मेरे पैरों पे ठीक होके, खड़ा होके मैं बाहर निकलूँगा और निकल पाऊँगा. और उसने कॉन्स्टेंट कमांड देने शुरू किए और उसके लंग्स ठीक होने लगे, उसने डीप ब्रीदिंग किया, बहुत सारा, बहुत अच्छी तरीके से वो किताब में भी है. इन शॉर्ट, इट्स जस्ट लाइक मिराकल, जो पॉसिबल नहीं था. अप्रैल महीने में उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड दिसंबर में उसने तय किया कि मैं दिसंबर 25 दिसंबर को अपने पैरों पे खड़ा होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा. एंड ही कुड डू दैट, एंड दैट्स रीज़न ही उसको मिराकल मैन कहा जाता है. और लिटरली उसने अपने माइंड के पावर से जो टूटे हुए ऑर्गन्स है उसको भी ठीक किया. डियर फ्रेंड्स, बॉडी जानती है. इवन जो हम बाईपास सर्जरी करवाते हैं ना, वो भी हम करते हैं, बाकी वो बाईपास करके अपना कैनाल बना ही लेता है हार्ट. एक्चुअली हर एक बॉडी नोज एवरीथिंग, बॉडी हमारा खुद का डॉक्टर है, वो अंदर सब कुछ ठीक कर सकता है. बट हम लोग जो बहुत डिपेंड है बाहर की सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिंस के पीछे, दैट्स अ रीज़न वी आर नॉट अलाउिंग अवर बॉडी, वी ब्लॉक एवरीथिंग एक्चुअली थ्रू अवर नेगेटिव इमोशंस एंड थ्रू दिस ऑल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, विच इज़ नॉट एक्चुअली नीडेड ऑल द टाइम. इट इज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी इट इज़ नीडेड. सो दीज आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल, दीज टू आर बिगेस्ट एग्जाम्पल, एंड a lot of other miracles are already documented in worldwide if you can google it. So dear friends, the most important thing is aapki health aapke haath mein hai, aap chahe to usko aasani se theek kar sakte hain. Hamesha yaad rakhiye, aapko aap mehsoos kya kar rahe hain, aap sochte kya hai, aapki wo disease ke bare mein belief kya hai, aap khud clear hai ki ye theek nahi ho sakta to sach baat hai wo theek nahi hoga, but aap sochte hain कि एक दैट्स ओके, आया है तो ठीक है, मेरे बॉडी में आया है कुछ लेसन सिखाने के लिए, लेट मी लर्न द लेसन्स, बट एक्चुअली ये ठीक कर सकता हूँ मैं, ये ठीक हो सकता है, तो ये ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड कोई टाइम फ्रेम भी यूनिवर्स में नहीं है, ना तो कोई साइज है ना टाइम फ्रेम है, आप जब भी चाहे उसको ठीक कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, और आप उसको एक साल के बाद तक ठीक करना चाहते हैं तो 1 ईयर तक ठीक होगा. तो इट इज ऑल अप टू यू, आपकी बिलीफ के ऊपर है.
नथिंग इज लाइक अ इनक्योरेबल डियर फ्रेंड्स, जस्ट टाइप दैट नथिंग इज लाइक अ इनक्योरेबल। यहाँ पर जो मिराकल मैन है, मॉरिस गॉडमैन ने एक बात बहुत अच्छी कही है और वो ये है, मैन बिकम्स वॉट ही थिंक्स अबाउट। कितने लोग ये बात को मानते हैं कि मैन बिकम्स वॉट ही थिंक्स अबाउट, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ हेल्थ, दिस इज एक्चुअली इन एवरी एरिया इट इज एप्लीकेबल। एंड अभी का जो समय चल रहा है, जो लोग अवेयर है और वो जो बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी मेडिसिंस। अभी एनर्जी मेडिसिंस के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी थॉट्स को बदल के हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से यू नो ठीक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत केसेस आजकल देखने को मिलते हैं, इवन एम्स के अंदर दिल्ली में इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है, यानी कि एक सिलेबस में मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये सिलेबस में भी होलिस्टिक अप्रोच के लिए भी एक पूरा सिलेबस एंटर करने का यू नो बातचीत चल रहा है। वाई? बिकॉज ये बहुत सारी रिसर्च से डॉक्यूमेंट और वैलिडेट हो चुका है और हम शायद वहां तक ना पहुंचे वो मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में लेके ना ले। क्या हम अपने शरीर के बारे में खुद नहीं समझ पाते? हम सभी लोग हमारे शरीर के सिर्फ वॉइस को समझे, उसके इशारे को समझे, तो हमें हमारा बॉडी एवरी टाइम बहुत कुछ कहता है, अलार्म देता ही है। और वो कोई सपोज सरदर्द से, कोई फीवर से, या कोई भी कफ एंड कोल्ड से, कुछ कभी भी जब आपके शरीर में अनकंफर्टेबल कोई चीज़ होती है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो मेंटली यू आर डिस्टर्ब्ड, या तो योर लाइफस्टाइल एंड योर इमोशंस आर डिस्टर्ब। कितने लोगों ने देखा है कि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, कफ एंड कोल्ड जल्दी पकड़ लेता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, क्यों? बिकॉज कि इम्यून सिस्टम आपकी लो हो जाती है जब आप इमोशनली डैमेज होते हैं, तो सबसे पहला लाइक कफ एंड कोल्ड जैसे फिर फीवर एंड बाकी के प्रॉब्लम्स इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं जब आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो सो अवेयर रहे अपने थॉट्स के ऊपर, पॉजिटिव थॉट्स को सोचते रहे और हमेशा खुश रहे। ग्रैटिट्यूड एंड यू नो जॉय, दीज आर द टू मेडिसिंस। कैन यू अडॉप्ट जस्ट टाइप दैट जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, just type that joy and gratitude. These are the two medicines I can say कि आपको हमेशा इसका use करना चाहिए। आप जितना gratitude में रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, happy रहेंगे, उतना आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से बाहर निकल सकते हैं।